तो गारंटी के साथ में आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपए तक महीना कमा सकते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना किसी प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत है, ना किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की जरूरत है, ना आपको 1 भी रुपए लगाने की जरूरत है। अगर आपके पास में एक घर है या फिर आपके पास में एक खाली प्लॉट है या फिर कोई भी खेत है, जमीन किसी भी प्रकार की हो XYZ, तो आप इस बिजनेस से लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इसी के साथ में अगर आपके पास में बिल्कुल भी जमीन नहीं है और घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप किसी दूसरे का घर या फिर जमीन रेंट पर लेकर भी आप लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इस वीडियो को एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जियो की। जियो का टावर लगवा कर आप लोग लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। आप 1 नहीं 2 4 5 टावर भी लगवा सकते हैं। कैसे लगवाना पड़ेगा वो सारी चीज़ें डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके बिजनेस आइडियाज की तलाश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आता रहेगा, आपकी बेरोजगारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आप अगर इसके अलावा कोई दूसरा भी काम कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आपको पहले बता दूँ, किसी भी इंसान को कोई पैसा नहीं देना है। मैं आप लोगों को जियो की वेबसाइट पर ले जाकर ही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप जियो सिम का इस्तेमाल करते होंगे तो आपके पास में माई जियो एप्लीकेशन भी होगा। अगर नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जियो सिम नहीं है तो आपके किसी फैमिली मेम्बर के मोबाइल के अंदर आप माई जियो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर टॉप के अंदर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको 3 लाइन्स दिखाई दे रही होगी। उसके जस्ट साइड में आपको माई जियो सर्च लिखा हुआ होगा, तो आपको 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर के आ जाते हैं। तो हमें इन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है। देखिए दोस्तों, आप नीचे से जब देखेंगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर जाएंगे तो जियो केयर का दिख रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो आपको ऐप लैंग्वेज का दिख रहा है, उससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे 4th नंबर पे तो वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है पार्टनर विद जियो। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टावर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जियो नेटवर्क पार्टनर। यहाँ पे लिख रखा है पार्टनर विद जियो टू मेक द नेटवर्क स्ट्रोंगर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंपली आई हैव ए, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, आई हैव ए लैंड प्लॉट, अगर आपके पास में ज़मीन है या फिर प्लॉट है तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है। अगर आपके पास में बिल्डिंग है, आई हैव ए बिल्डिंग, तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप गाँव के रहने वाले हैं या फिर आप शहर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास में जो भी चीज़ है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में एक नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रोसीड का, जो कि एक ब्लू कलर की पट्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपकी जो लोकेशन है या फिर पिन कोड है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मैं अपना कोई भी एक लोकेशन यहाँ पे टाइप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपकी जो लोकेशन है वो टाइप कर सकते हैं, अगर आपका विलेज है तो विलेज भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप अपना पिन कोड भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास में आ गया है, तो नेक्स्ट हमने कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर्टी और ओनर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर आपको 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने किसी मोबाइल दोस्त के फ्रेंड के मोबाइल फ़ोन में सारी चीज़ें करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नंबर आपको इसके अंदर दिखाई देता है उस पर फ़ोन करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टी ओनर अगर आप खुद की है तो आप यहाँ पे सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी किसी और की है तो यहाँ पे अदर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो हम सेल्फ के ऊपर इसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम यहाँ पे डालना है। तो मैं अभी यहाँ पे फुल नेम डाल देता हूँ। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नीचे दे रखा क्रोस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज प्रॉपर्टी एड्रेस। अगर आप जैसे कि अगर आप जयपुर में रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कहीं दूसरी जगह पर है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको टाइप करना है, उस जगह का नाम यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका जो रहते हैं वो भी सेम जगह है और आप जो मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं वो भी सेम जगह है,
तो आपको सेम एज प्रॉपर्टी एड्रेस आपको ये क्लिक करना है। उसके बाद में लैंडमार्क का ऑप्शन आ रहा है कि जैसे कि जियो टीम जो जियो के जो व्यक्ति होते हैं जो आपके मोबाइल आपके घर पे टावर लगाने के लिए जो लोग आएंगे इंस्पेक्शन करेंगे तो वो चेक करके जाएंगे, तो उनको ये भी पता चलना चाहिए कि लैंडमार्क कहाँ कहाँ पर वो बंदे उतर कर आपके पास में पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी आप जगह का नाम लिख सकते हैं, वहाँ पर वो लोग उतर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कुछ भी लिख देता हूँ, वैशाली नगर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ गया लैंड डिटेल्स, जो आपकी जगह है वो कितने स्क्वायर फीट है, कितने स्क्वायर मीटर है, कितने एकर है। आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1500 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर फीट चूज कर लेता हूँ। अगर आपके पास में ज़्यादा ज़मीन है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो नीचे आपके पास में एक सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल ईयर है। तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल कर देता हूँ, और यहाँ पे नीचे लिख रखा है हाउ टू रीच द लैंड, सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, थ्रू गवर्नमेंट रोड है, थ्रू अनदर प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नीचे कंफर्म का ऑप्शन आपके पास में आ गया है, आपको सिंपली कंफर्म कर। फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि इन सारी चीज़ों को हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है कि किस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म होता है इसको फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जिस भी प्रकार की है, आपकी खुद की है या किसी और की है, आप उसका जो एरिया है उसे आप एक बार किसी भी तरीके से उसका कैलकुलेशन निकालें कि कितना उसका साइज़ है। क्योंकि एक एक्चुअल साइज़ अगर आप अगर इसके अंदर फीड करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो आप उसके अंदर ज़्यादा का प्रॉफिट उठा सकते हैं। अब यहाँ से आप लाखों रुपये कैसे कमा सकते हैं, देखिए दोस्तों, आपके पास में जैसे कि काफ़ी जगह पर आपकी ज़मीन है तो सभी ज़मीन के लिए आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अलग अलग ज़मीन के लिए अलग अलग तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके चार पांच जितनी भी जगह हैं, हर जगह पर आप अपना मोबाइल टावर लगवा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप यहां से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आप लोगों को अभी भी बता रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को एक रुपये भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ से सारी चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से आप मोबाइल टावर अपने घर पर लगवा सकते हैं। हम आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कंपनी आपको बताएगी कि वो आपको कितना पेमेंट करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, कंपनी आपके पास में आएगी, इंस्पेक्शन करेगी, सारी चीज़ें करेगी, उसके बाद में सारी चीज़ें डिसाइड होती है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई जानकारी समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।